अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आपके जोड़ों का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी कमर में दर्द होता है या फिर आपके जोड़ों में दर्द होता है तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इस नुस्खे के फ़ायदों के हवाले से। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हड्डियों को मजबूत करने के हवाले से बहुत ही अहम नुस्खा है। हकीम सावर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही मौसर नुस्खा है। अगर किसी की हड्डी टूट गई हो तो उसे मजबूत करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उसको आपने मजबूत इस तरह से करना है कि आपने सबसे पहले एक पट्टी लेनी है, यानी कि कपड़े की एक पट्टी ले लें, उसको आपने इस तेल से तर कर देना है और तर करने के बाद जहाँ से आपकी हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर आपने लपेट देना है। लपेटने के बाद आपने फिर इसे रोगन से तर कर देना है, जो मैं आपको नुस्खा बताऊँगा। उसके बाद आपने 4-5 दिन तक इसे तर करते रहना है और पट्टी को मजबूती से टूटी हुई हड्डी की जगह पर बांध देना है। इंशाल्लाह 4 दिनों में 5 दिनों में आपका ज़ख्म जो है वो बिल्कुल भर जाएगा और आपकी हड्डी जो है वो बिल्कुल जुड़ जाएगी। 4-5 दिनों के बाद अगर आपको तकलीफ़ महसूस हो तो फिर आप 1 हफ़्ते के लिए दोबारा से पट्टी को बांधें और तर कर दें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद बिल्कुल आपकी हड्डी जो है अपनी जगह पर जुड़ जाएगी। इस तेल के हवाले से एक और बहुत अहम वाक़या ये है कि एक लड़की 13 या 14 साल की थी, वो अपनी छत से गिर जाती है और उसकी हड्डी टूट जाती है। बहुत सारा इलाज करवाने के बाद भी उसका इलाज जो है मुकम्मल तौर पर नहीं होता और उसे हड्डी में दर्द महसूस होता रहता है। तो इसका इलाज करवाने के लिए वो हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने इस तेल की मदद से उस लड़की का इलाज किया और इस इलाज के साथ उसे दोबारा कभी भी जो हड्डी का दर्द था वो महसूस नहीं हुआ। तो इस नुस्खे में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, वो आपको पंसारी की दुकान से बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो जो 3 चीज़ें इस नुस्खे में शामिल की गई हैं वो ये हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही हैं, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पर आप जाकर इन चीज़ों को दिखाकर ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले आपने रोगन कंजद जो है वो 1/2 पाव ख़रीदना है, रतन जोत 1/2 पाव ख़रीदना है और काफूर जो है वो 1/4 हिस्सा ख़रीदना है। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसे तैयार करना है। सबसे पहले आपने रोगन कंजद को किसी भी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है और धीमी आग पर इसे पकाना है। कुछ देर पकने के बाद आपने इसमें रतन जोड़ डाल देना है, जो दूसरे नंबर पर है उसे आपने डाल देना है और उसके बाद जब इससे खुशबू आने लगे तो आपने इसे उतार लेना है और किसी छन्नी की मदद से आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद आपने इसमें पिसा हुआ काफूर डाल देना है। जब ये चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह आपने लकड़ी की मदद से इसे मिक्स कर देना है और थोड़ी देर इसे आग पर रखना है, यानी कि 2 से 3 मिनट। उसके बाद जब ये हर चीज़ मिक्स हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है और उतारने के बाद आपने किसी भी शीशे की बोतल में डाल देना है, यानी कि इन 3 चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह जो है वो शीशे की बोतल में 1 वाम सा डाल देना है और ये तेल आपका मालिश के लिए तैयार है। जहाँ भी आपको दर्द हो हड्डियों का वहाँ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको 1-2 दफ़ा में ही मुकम्मल तौर पर रिजल्ट मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।